हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टीडीएस और टीसीएस की बात करेंगे। तो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स की कटौती करी जाती है। अगर आप कोई भी सर्विसेज परचेस करते हैं, जनरली गुड्स पे भी होता है लेकिन सर्विसेज पे ज़्यादा होता है, तो कोई भी सर्विसेज या गुड्स आप परचेस करते हैं एक अमाउंट से ज़्यादा मात्रा में, तो उस पर आपका टीडीएस कटता है, ठीक है। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो कई बार कंफ्यूजन ये भी रह जाती है कि टीडीएस या टीसीएस क्या दोनों एक साथ कट सकता है? तो दोनों एक साथ नहीं कटता है, और अगर टीडीएस कटा हुआ है तो फिर टीसीएस नहीं कटेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर टीडीएस कटा हुआ है तो टीसीएस नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए एंट्री पास करते हैं हम टीडीएस वाली। पहले सबसे पहले तो देखना होगा कि टीडीएस चालू है या नहीं। तो F11 करके और यहाँ पर आएंगे तो देखिए टीडीएस ऑप्शन जो है चालू नहीं है। तो यहाँ पर पहले टीसीएस को ऑफ करते हैं, देन टीडीएस को ऑन करते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे मैंने फिल किया है वैसे ही आप भी फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमने फिल कर दिया है, सारा डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये आपका टीडीएस चालू हो गया है। अब हमें परचेज में एंट्री पास करनी है, ठीक है। मैं गुड्स पे ही टीडीएस लगा के दिखाऊंगा। तो चलते हैं परचेज वाउचर में। तो यहाँ पर आ गए परचेज में, ठीक है। और परचेज में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब जो भी आपका सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है वो आता है। यहाँ पर वो डेट आती है जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग और जिस डेट पे कट रहा है आपका टीडीएस, ठीक है। और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युवराज कर देते हैं, युवराज YUVRAJ, ठीक है। तो ये हो गया युवराज। और देखिए यहाँ पर ये नेम पहले से मौजूद है तो कोई दूसरा नेम लेना होगा, अमित कर देते हैं, अमित। तो ये अमित क्रेडिटर पार्टी हमारी। और ये जाएगा ग्रुप क्या रहेगा इसका? सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप रहेगा। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पर पूछेगा इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस करना होगा आपको। और डिडक्टी टाइप आप जो भी आपका देख लीजिएगा क्या है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके। और यहाँ पर क्या करना है आपको? अपना पैन नंबर बिल्कुल सही देना है। तो जो भी आपका पैन नंबर हो वो बिल्कुल सही सही भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये इनवैलिड पैन दिखा रहा है, तो पैन नंबर आपको एकदम सही भरना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रोवाइड पैन डिटेल को यस कर दीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। फिर ये बॉक्स आएगा तो इसको भी एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और ये एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो यहाँ आता है परचेज अकाउंट का लेजर। तो ये आ गया परचेज अकाउंट का लेजर, ठीक है। फिर अब क्या करना है, यहाँ पर गुड्स आएगा तो जो भी गुड्स है उसको हम उठाते हैं यहाँ से। तो ये जैसे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप हम 60 ले लेते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक हैवी अमाउंट आ गया है। अब हम चाहे तो इस पर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, देखिए टीडीएस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें टीडीएस के लेजर को एक बार चेक करने की जरूरत है और टीडीएस के लेजर को ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आते हैं, लेजर पे आते हैं और यहाँ पे टीडीएस का जो लेजर हमने बनाया है, टीसीएस नहीं बल्कि टीडीएस पे आना है। तो यहाँ पर आकर के और यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमने बनाया है दो, लेकिन यहाँ पर हमको अलग से भी बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस ऑन गुड्स दे देते हैं, टीडीएस ऑन गुड्स, ठीक है। और सेक्शन यहाँ पर जो भी होता होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिमिटेंस कोड आता है तो जो रिमिटेंस कोड है वो दे दीजिएगा। अगर पैन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर पैन है तो यहाँ पर टीडीएस 10% कटेगा। और यहाँ पे थ्रेशहोल्ड लिमिट है तो मैं यहाँ पे थ्रेशहोल्ड लिमिट 50,000 की डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 50,000 की लिमिट हमने डाल दी और यहाँ पर आकर के इसे एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट करा लिया। तो ये काम हो गया, अब टीडीएस का लेजर हमारा सही हो गया। एक बार हम परचेस के भी लेजर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से आकर के एक बार परचेस के लेजर को भी देख लेते हैं कि परचेस के लेजर में कहीं को गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पी प्रेस करते हैं और ये परचेस अकाउंट का लेजर आता है, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो टीडीएस ऑन गुड्स यहाँ पे रखना है, टीडीएस ऑन परचेज हो गया, तो टीडीएस ऑन गुड्स रख लिया और ये रख करके अब इसको एंटर करिए। अब हम चलते हैं परचेज वाउचर में और देखते हैं कि किस प्रकार से ये एंट्री होगी। तो यहाँ पर ये आ गया, एंटर किया और यहाँ पर अमित जो क्रेडिटर पार्टी हमारी उसका लेजर आएगा और एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर जो डेस्कटॉप है उसकी बात कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप बात करते हैं 70 डेस्कटॉप की, और यहाँ पे कीमत देख सकते हैं आ ही चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे TDS जो हमने बनाया था उसको ले लेते हैं, तो ये TDS टैक्स डिडक्शन नाम से हमने बनाया था, और यहाँ पर देखिए ये TDS ऑटो कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 203,000 रुपए ये ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, 20,30,000 पर ये TDS 203,000 रुपए ऑटो कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। लेकिन रुकिए, अभी एक प्रॉब्लम है, ये तो पुराना लेजर है, ये एक TDS नाम से भी लेजर बनाया था, उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए ये TDS वाला लेजर है। तो अगर TDS वाला भी लेजर आप लगाते हैं तो भी 203,000 रुपए यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पुराना वाला लेजर है उसमें हो, दोनों में वही सेम सेटिंग कर दी है, तो आप एक टैक्स डिडक्शन नाम से बना दिया वही चीज है, और ये TDS नाम से था, तो दोनों में देखिए वही सेम चीज आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपसे भी TDS ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, और परचेज में भी TDS ऑटो कैलकुलेट होने लगेगा, फिर आप एंटर करके और इस तरीके से आइएगा, और TDS डिडक्टेड ऑन गुड्स यहाँ पर नरेशन में डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर आ जाइए और यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिए, और दो बार डी प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर परचेज वाउचर में आएंगे, तो यहाँ पर टैक्स डिडक्शन जो हुआ है उसका बिल जो है आपको प्रिंट करना होगा, और यहाँ पर देखिए ये बिल भी प्रिंट होता हुआ नजर आएगा जिसमें कि TDS कटा हुआ है, ठीक है, यानी लेस किया गया है, यहाँ पर देखिए ये लेस लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो TDS कट गया है, इतना कितना कट गया है, इतना, यानी इतना लेस किया गया है, TDS इतना कटा हुआ है इतने अमाउंट में से, ठीक है। देख सकते हैं ये 20,30,000 में से TDS जो कटा हुआ है 203,000 कटा हुआ है, और शेष 18,27,000 रुपए ये आपका पेमेंट है, यानी कि इसका प्राइस है। तो इसमें TDS कितना डिडक्ट हुआ था ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, ये भी बात देखिए कि दोनों ही में जैसे TDS वाला लेजर लगाया तो भी सेम है, यहाँ पे देखिए TDS वाला लेजर लगाया तो भी 203,000 आ रहा है, और अगर टैक्स डिडक्टेड नाम से जो बना दिया है, यहाँ पे देखिए ये टैक्स डिडक्शन नाम से जो बनाया है इसको भी लगाता हूँ तो भी सेम अमाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेटिंग करी हुई है मैंने, और इस वजह से यहाँ पर दोनों ही चीजें सेम आएंगी। और एक सवाल जो कि आपके भी मन में रहता है कि क्या TDS कटा हुआ है तो TCS भी कटेगा, ठीक है। देखिए TCS कटता है सेल्स पे, परचेस पे नहीं कटता है, ये बात याद रखिएगा। तो TDS और TCS एक साथ नहीं कटता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि TDS भी कटेगा और TCS भी कटेगा, तो TDS और TCS दोनों एक साथ नहीं कटेगा, ये बात मेरी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका काम इससे आसान हो जाएगा, ये जो TDS और TCS को लेकर के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए TCS काटना है तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप सेल्स में आएंगे, तो यहाँ से जाके F8 प्रेस करके सेल्स में आएंगे। अब यहाँ पर उसी डेस्कटॉप की बात करते हैं, यहाँ पे ये नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, और यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लोकेश डी कर देता हूँ, यानी डेटर पार्टी है ये, और यहाँ पे सन्डी डेटर ग्रुप जो है ये आ जाएगा, ये ग्रुप आ गया सन्डी डेटर। अब यहाँ पर पूछ रहा है इज TDS डिडक्टेड, तो TDS तो डिडक्ट नहीं करना है हमें, TCS डिडक्ट करना है, तो पहले TCS ऑप्शन ही चालू करना होगा। पहले बाहर आते हैं इससे, और पहले TCS ऑप्शन चालू करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, और ये देखिए ये जो ऑफ कर दिया था हमने इसको चालू कर लेते हैं, यस कर देते हैं, एंटर करेंगे ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डालते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, यानी TCS भी हम चालू कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा सेल्स वाउचर की स्थिति देख ली जाए एक बार, तो सेल्स जो कल जो लेजर है उसकी स्थिति देख ली जाए, तो यहाँ पे ये सेल्स का लेजर है, और इसमें देख सकते हैं TCS ऑन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कराते हैं, और उसी के हिसाब से तो यहाँ पर जो नंबर है वो आ जाएगा, रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, और यहाँ पर आते हैं तो नाम क्या था, नाम क्या दिया गया था, लोकेश दिया गया था, तो लोकेश डी करके था, तो यहाँ पे लोकेश डी लगा देते हैं लेजर, एक बार चेक करते हैं लोकेश डी आया है कि नहीं आया है, अदरवाइज हमको दोबारा से बनाना होगा। तो यहाँ पे अल्ट सी करते हैं, और यहाँ पे लोकेश LOKESH डी कर देते हैं, यानी डेटर, ठीक है, और इसका ग्रुप होगा सन्डी डेटर, क्या होगा सन्डी डेटर, ये हो गया, एंटर करेंगे। TDS तो डिडक्ट नहीं होगा, TDS डिडक्ट होगा, तो यस करेंगे, और यहाँ पर इसको भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रखते हैं हम, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पैन नंबर आएगा, तो यहाँ पर जो है पैन नंबर डाल करके और एंटर करेंगे, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी इनवैलिड पैन नंबर आपको नहीं देना है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये वैलिड पैन नंबर देखिए और इसको यस करिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। फिर बाकी ये डिटेल भी इसको भी एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा और एंटर करके यहाँ पर आएगा सेल्स का लेजर। तो सेल्स का लेजर भी हमारा ठीक था, अगर गड़बड़ होगा तो फिर चेक करेंगे उसको। और डेस्कटॉप ही था ना, तो यहाँ पे डेस्कटॉप ले लेते हैं, तो ये 70 डेस्कटॉप है और एक डेस्कटॉप जो है हम बेचेंगे कितने में, तो 50,000 का एक बेचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 और चूंकि ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में चला गया, तो यहाँ पे 50 कर लेते हैं सिर्फ और यहाँ पे कीमत कर लेते हैं 50,000। ठीक है, तो ये 50 हो गया। अब इस तरीके से आ जाएगा और आने के बाद यहाँ पर अब TCS का लेजर लगाना होगा आपको। तो ये हमारा TCS का लेजर है, तो ये लगाया आपने, तो देखिए यहाँ पर TCS भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है TDS और TCS दोनों ही कैलकुलेट करके मैंने दिखाया और यहाँ पे TCS कलेक्टेड ये मैंने लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग वाउचर में हुआ, ऐसा नहीं कि दोनों सेम वाउचर में हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे TCS और TDS कैलकुलेट नहीं हो रहा, ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी सेटिंग करिए और इस वीडियो को देखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।